हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो प्लान है 18 फीट बाई 35 फीट का ये प्लान है। 18 फीट इस प्लान का चौड़ाई है और 30 फीट इस प्लान का लंबाई है, जैसा कि आपने टाइटल्स में देखा ही है। और ये जो प्लॉट है ईस्ट फेसिंग का प्लॉट है, बाकी ये तीनों तरफ से ये प्लॉट घिरा हुआ है। यहाँ पर घर बने हुए हैं राइट साइड, लेफ्ट साइड और पीछे में, और ये एक ही तरफ से खाली है, एक तरफ से ही घर के अंदर जाने का रास्ता है। और ये बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ प्लान है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो जिससे आपको ये प्लान अच्छे से समझ में आएगा और आप भी अपना घर बना पाएंगे। अगर आपका इस साइज में प्लॉट है 18x35 या 18x36 है या 18x40 में है, 40 से कम है तो आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि पीछे के रूम्स के साइज वगैरह आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है ये जो प्लॉट है, अभी हमारे घर के अंदर जाने का जो मेन दरवाज़ा मिलेगा वो यहाँ पर है। ये जो आप देख रहे हैं डी, ये डी मतलब डोर है ये, और यहाँ पे W1, W मतलब विंडो, तो ये W1 है और यहाँ पे W2 है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बाहर में, ये बालकनी की लाइंस हैं जो कि हमारे, जिसको छज्जा बोलते हैं, जो कि हमारे घर के बाहर जो हमारे छत के ऊपर रहता है, छत के सामने रहता है। तो हमारा जहाँ तक छत रहती है वो यहाँ तक, हमारा जो प्लॉट एरिया है वो यहाँ तक है, लेकिन इसके बाहर भी हमारी ये छज्जा निकला हुआ है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 4 फीट इसका यहाँ पर विड्थ है और यहाँ पर जो विड्थ है 3 फीट है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे में हल्का सा यहाँ पे कर्व टाइप से, यहाँ पे सर्कल मतलब हाफ सी टाइप से यहाँ पे बना हुआ है ये जो बालकनी है। तो यहाँ पे लोहे की ग्रिल्स आप लगाएंगे इन सब पे, तो एक काफ़ी अच्छा एक लुक आएगा यहाँ पे। तो इधर में आप जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 3 फीट की चौड़ाई है। तो यहाँ से हम अपने घर के अंदर जाएँगे, घर के अंदर जाने के लिए 4 फीट चौड़ा यहाँ पर डोर दिया गया है। और यहाँ पर जो है इससे सीधे हम एंटर करेंगे अपने सिटिंग एरिया में। ये सिटिंग एरिया, सिटिंग एरिया इसके लिए है कि गांव एरिया में जैसे बैठक होता है, ऐसे बैठक यहाँ पे बनाया गया है सिटिंग के तौर पे। तो यहाँ पे अपने गेस्ट को यहाँ पे आप बैठने के लिए इंतज़ाम कर सकते हैं। 10 फीट इसका चौड़ाई है जो कि यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक 10 फीट है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो अप लिखा हुआ है वो सीढ़ियों के लिए अप लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है सीढ़ियाँ यहाँ से हमारे ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो चौड़ाई है 2 फीट 6 इंच है सीढ़ियों की, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। और ये वाली जो चौड़ाई है आज जैसे कि आप देख रहे हैं तो 3 फीट है। ये सब यहाँ से जो ये जो सीढ़ियाँ हैं जो आगे की तरफ ये जो आ रही हैं ये 3 फीट है। तो यहाँ से हम पहला दूसरा तीसरा कदम रखते हुए यहाँ हम बढ़ते जाएंगे, यहाँ से होते हुए हम घूम के आ जाएंगे। तो यहाँ तक आते आते हमको हाइट मिल जाएगी 4.5 फीट की हाइट हमको मिल जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर 2 सोफ़े यहाँ पर इसके नीचे लगाए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी आपको काफ़ी ऊँचाई मिल जाएगी तो आप इसके नीचे भी सोफ़े लगा सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो सीढ़ियों से हम चलते हुए हम जब आएँगे तो यहाँ तक आते आते हमको लगभग हमको ऊंचाई मिल जाएगी, लगभग यहाँ पे आते आते 8 फीट के आसपास में, 8-9 फीट के आसपास में यहाँ पे ऊंचाई मिल जाएगी। यहाँ पे भी 2 स्टेप्स आएंगे और यहाँ से हम सीधे आ जाएंगे अपनी बालकनी पे। ये जो हमारी बालकनी की तरफ हमारा जो स्टेप होगा ये हमारा बालकनी पे होगा, और यहाँ पे ये भी 2-4 स्टेप जो है बालकनी को ही टच करेंगे जाके। और यहाँ पर जो टच करते हुए हम सीधे अपने बालकनी पर पहुँचेंगे और बालकनी से सीधे आप अपने फर्स्ट फ्लोर में अपने घर के अंदर चले जा सकते हैं। तो जैसे कि अभी चल रहा था, मैं बात कर रहा था यहाँ पे जो है सीढ़ियों से, तो आगे चलेंगे अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक डोर दिया गया है 3 फीट चौड़ा, यहाँ पे एक डोर है, तो सीधे इस डोर को ओपन करके अपने सिटिंग एंड हॉल एरिया में आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 11 फीट 6 इंच इसका लंबाई है, 8 फीट 8 इंच इसका चौड़ाई है सिटिंग एंड हॉल एरिया का। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि डाइनिंग टेबल प्लेस किया गया है और यहाँ पर 4 लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 2 सोफ़े भी लगाए गए हैं, तो जिससे आप चाहें तो यहाँ पे भी बैठने का काम ले सकते हैं सोफ़ों के लिए। इसी के सामने यहाँ पे कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम दिया गया है, ये कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम है। तो यहाँ पे जो है कॉमन टॉयलेट का जो लंबाई है टॉयलेट एंड बाथरूम का 6 फीट 3 इंच है, चौड़ाई 4 फीट 7 इंच है, जो कि इस दीवार से यहाँ तक 4 फीट 7 इंच है। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर टॉयलेट एंड बाथरूम है, ये एक ही कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम दिया गया है। तो यहाँ पे देने का पर्पज ये है कि यहाँ पे अगर आपका गेस्ट बैठा हुआ है तो इस डोर को ओपन करके इस टॉयलेट का भी इस्तेमाल वो करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे एक शाफ्ट दिया हुआ है जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी ये दीवार आ रही है, यहाँ पर भी दीवार आ रही है, इधर में भी दीवार आ रही है, यहाँ पर भी दीवार आएगी, इसमें भी दीवार आएगी। और दीवार में यहाँ पर एक विंडो फिक्स होगा जो कि 2 फीट बाई 4 फीट का विंडो यहाँ पर आप इस दीवार में लगाएंगे, और ये शाफ्ट जो है छत में खुला रहेगा, छत में खुला रहेगा। यहाँ पर कोई कॉन्क्रीट नहीं आएगी, ये पूरा यहाँ पर छत यहाँ पे कोई नहीं आएगी। बाद में इसको लोहे के जाल से इसको कवर कर देंगे, और यहाँ पे भी ये इस दीवार में यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन जो है वो लग जाएगा यहाँ पे। और ये जो खुला होने की वजह से जो इसमें जो उजाला आएगा, रोशनी जो आएगी वो इस विंडो के ओपन होने से हमारे सिटिंग एरिया में जाएगी। ये विंडो यहाँ पर लगाया गया है, ये विंडो ओपन करने से हमारे इस बेडरूम के अंदर भी उजाला प्रॉपर रहेगा और यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है अभी चलते हैं अपने हॉल से,
अपने किचन के अंदर। यहाँ से हम जा सकते हैं अपने किचन में। यहाँ पे जो है 4 फीट वाइड यहाँ पे पूरा खाली जगह दिया गया है। यहाँ पे कोई दीवार कोई डोर यहाँ पे नहीं आ रही है, ये पूरा यहाँ पे ओपन रहेगा 4 फीट चौड़ा। तो यहाँ पे जो है इससे सीधे हम आ जाएंगे अपने किचन में। किचन की जो लंबाई है 10 फीट है, 10 फीट में काफ़ी लंबा है और 6 फीट इसकी चौड़ाई है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा यहाँ पे किचन दिया गया है, तो काफ़ी एक अच्छा है। इसके लिए जो विंडो मिल जाता है वो इस दीवार पे है जो कि बाहर की तरफ सीधे, अगर हम किचन के अंदर हैं तो बाहर से देख सकते हैं कौन हमारे घर के अंदर इधर से आ रहा है या जा रहा है, तो हम किचन के अंदर से भी हम देख सकते हैं और प्रॉपर उजाला भी रहेगा इस किचन के अंदर यहाँ से। तो अभी चलते हैं अपने हॉल से आगे, यहाँ पर देखते हैं अपना बेडरूम। तो यहाँ पे जो है बेडरूम 1 में चलते हैं। यहाँ पे हम हॉल से अपने बेडरूम 1 में आ जाएंगे जो कि यहाँ पे 14 फीट की लंबाई में है। यहाँ पे जो लंबाई है 14 फीट है और चौड़ाई जो है वो 8 फीट है। 8x14 का यहाँ पे बड़ा कमरा मिल जाता है आपको। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको और छोटा करता हूँ जिससे आपको, हाँ जूम इसके लिए कर रखा है ताकि आपको पूरे डायमेंशन साफ साफ दिखाई दें। यहाँ पे जो विंडो की बात कर रहा था मैं, जो 4 फीट चौड़ा विंडो है, तो इस शॉफ्ट के अंदर जो रोशनी आएगी वो इस विंडो से हमारे इस कमरे के अंदर प्रॉपर उजाला रहेगा। यहाँ पे विंडो दिया गया है तो इस विंडो से हमारे इस हॉल के अंदर प्रॉपर उजाला रहेगा और हॉल से अपने इस बेडरूम 2 में जा सकते हैं। यहाँ पे भी एक 4 फीट चौड़ा इस दीवार पर विंडो आएगा तो हॉल के अंदर जो रोशनी आएगी वो इस विंडो से, वो इस विंडो के ओपन होने से हमारे इस बेडरूम के अंदर भी उजाला प्रॉपर रहेगा। यहाँ पे 8 फीट 1 इंच इसका लंबाई है, 14 फीट इसका चौड़ाई है। लंबाई मानते हैं तो लंबाई 14 फीट है यहाँ से यहाँ तक और 8 फीट इसका चौड़ाई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बेड भी प्लेस किए गए हैं, 2 सोफे भी प्लेस किए गए हैं, तो काफ़ी बड़ा ये कमरा आपको मिल जाता है। तो चलिए अब इसमें बात करते हैं वॉल साइज की। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये प्लान अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके मतलब के प्लान में आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए बात करते हैं इसमें वॉल साइजेस की। तो बाहर बाहर की जो दीवारें हैं इसमें 9 इंच की हैं, 9 इंच की इसमें दीवारें हैं बाहर के, और घर के अंदर की जो दीवारें हैं वो 5 इंचेस की डिज़ाइन की गई है, 5 इंच की दीवारें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्लान अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।